You see, dog can bite anywhere at any place, but it is more dangerous on neck, face and head. What are the first aid? You wash the wound for 20 minutes with soap and water. Second, stop the bleeding with the clean clothes or bandage. Third, consult any qualified doctor for anti-rabies vaccine. Last, enjoy pets but with care. तेरा क्या होगा कालिया सरदार, मैंने आपका नमक खाया है, लो फिर ब्लड प्रेशर की गोली भी खा। देखा, अगर नमक ज़्यादा खाओगे तो कालिए की तरह ब्लड प्रेशर की गोली डेली खानी पड़ेगी। WHO रिकमेंड करता है एक चम्मच से कम डेली आप नमक खाएं। अब तो देखो, गब्बर भी कम नमक खा रहा है और खवा रहा है, और अपना ब्लड प्रेशर भी रेगुलर चेकअप करा रहा है। ये वाली स्टैमरिंग तो रोमांटिक है, इससे भी वर्स्ट होती है अगर आपकी वाइफ आपका झूठ कैच कर ले, पकड़ ले। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं स्टैमरिंग, जिसको पंजाबी में बोलते हैं थथलाना और हिंदी में बोलते हैं हकलाना। तो हाउ टू मैनेज, तो सबसे पहले है फोकस ऑन ब्रीदिंग, क्योंकि ये जो हकलाना होता है ये एंग्जाइटी के साथ रिलेटेड है। अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो जो स्टैमरिंग है वो कम हो जाती है। सेकंड है स्लो डाउन, अगर आप अपने सेंटेंस जो है धीरे से बोलते हो, आराम से बोलते हो, तो स्टैमरिंग कैन बी मैनेज। देन अवॉइड सर्टेन वर्ड्स, आपको पता है कौन से शब्द जो है, कौन से वर्ड जो है जिन पे आप रुक जाते हो, वो शब्द भी आप अगर अवॉइड करें तो हो जाता है। चौथा है जो स्पीक विद रिदम, ये देखा गया जो स्टैमर करते हैं लेकिन वो जब सिंगिंग करते हैं या गाना बोलते हैं या गाना गाते हैं तो वो स्टैमरिंग नहीं होती। लास्ट है यूज़ बॉडी मूवमेंट्स टू काम नर्व्स, अगर आप टॉक कर रहे हो, बात कर रहे हो, उसके साथ आप बॉडी मूवमेंट कर रहे हो तो स्टैमरिंग कम होगी। अगर ये सब कुछ फेल होता है देन यू कैन कंसल्ट स्पीच थेरेपिस्ट एंड ही विल टीच यू सम चैप्टर्स और लेसन, देन यू प्रैक्टिस दैट एट होम। इन दिस वे यू कैन मैनेज दिस स्टैमरिंग।